हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज अ गन इज माउंटेड ऑन अ रेल रोड कार। द मास ऑफ द कार, द गन, द शेल एंड द ऑपरेटर इज 50 m। ओके, वेयर m इज द मास ऑफ द वन शेल। ओके, इफ द वेलोसिटी ऑफ द शेल विद रेस्पेक्ट टू द गन है ना इन इट्स स्टेट बिफोर फायरिंग इज 200 m/s, What is the recoil speed of the car after 1 second shock? ठीक है, neglect friction, friction को हमें neglect करना है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पर हमें दिया हुआ क्या क्या है solutions में। यहाँ पर हमें उन सब का mass दे दिया गया है, ठीक है? वो कितना है? 50 m total mass। अब उसमें से जो एक shell का mass है वो है small m। जैसे ही small m को छोड़ा जाता है तो उसको recoil velocity left side में मिलेगी, है ना? यानी कि जैसे कि ये हमारे पास में कार है, ये कुछ इस तरीके से है। यहाँ से जैसे ही किसी गोले को इस तरीके से छोड़ा जाता है इधर की तरफ में किसी v velocity से, तो इसको क्या ऑफर होगी बेटा? उल्टी डायरेक्शन में वी वेलोसिटी रिकॉल होगी, ठीक है? वो हमें निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, ये वीडी, तो ये हमें निकालनी है बेसिकली। तो वेलोसिटी ऑफ द कार विद रेस्पेक्ट टू द अर्थ है ना, ये क्या है बेटा? इस कार की है। ये क्या है बेटा? हमारे पास में ये कार है या कार जो भी आप बोलो, रेल बोर्ड कार, ठीक है? इसकी हमें वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है? सब कुछ आपके पास में दिया गया है। अच्छा, फ्रिक्शन लेस है, नेग्लेक्ट फ्रिक्शन कर दिया, यानी कि एफ एक्सटर्नल तो जीरो हो गया है ना। तो किससे, कौन सा वाला लगा देंगे बेटा हम लोग? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है ना, लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से हम लोग इसको कर सकते हैं, क्योंकि एफ एक्सटर्नल जीरो है। हम लोग जानते हैं फ्रॉम भी लगाइए, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक एक करके सारे के सारे पॉइंट्स को देखते चले जाते हैं। तो लेट द स्पीड ऑफ द कार बी है ना, ये है हमारे पास में v है, ठीक है? कार की स्पीड हमने v मान ली है, देन ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? दैट इज 49 m हो जाएगा, है ना? एक तो ये वाला हमारे पास में 49 m, भाई शुरुआत में तो उसका कितना था? वो रुका हुआ था, तो उसका कितना है बेटा हमारे पास में? वो तो जीरो हो जाएगा, ठीक है? तो अब इसका जो इधर की डायरेक्शन में मोमेंटम होगा और इसका जो इधर की डायरेक्शन में मोमेंटम होगा वो इक्वल होना चाहिए, यानी कि m1v1 = m2v2। वहां से भी हम लोग निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने एक गोले को छोड़ा तो केवल 49 m बचा है ना, 49 m, और इसकी वेलोसिटी हमने कितनी मानी थी? ये v मानी थी, दैट इज v है ना, इज इक्वल टू, या फिर हम लोग प्लस कर देंगे ये इसका मास कितना है हमारे पास में? m है, तो ये m, और ये मान लेते हैं ये कितने से जाती है बेटा? v से जाती है, दैट इज इक्वल टू कितना है हमारे पास में? जीरो। इसको हमने v डैश बोला था ना, इसको कैपिटल v कर लीजिए, तो ये वाला हमारा कैपिटल वाला v है। ओके बेटा, ये इस तरीके से हो गया हमारे पास में। ओके, अब चलिए इसकी वैल्यूज को रख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास में v की वैल्यू जो आ जाएगी, यहां से मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको, ठीक है? यहां से जो हमारे पास में v की वैल्यू आ जाएगी ये रही, कैपिटल v इज इक्वल टू, ये v की वैल्यू आपको दी गई है, ये रही है ना, दैट इज इक्वल टू v। ओके, तो ये v जो आ जाएगा हमारे पास में कैपिटल में, वो आ जाएगा माइनस के 200 डिवाइडेड बाई, क्योंकि हमने m को मार दिया, आ जाएगा 49 है ना m/s। ये किस डायरेक्शन में आ जाएगी? टूवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है? v की वैल्यू आ गई। अब when one more shell is fired, then जो v1 जो हो जाएगी, that is equal to, वो कितनी हो जाएगी बेटा हमारे पास में? अच्छा, मैं इस चीज को है ना, इसका अगर मैग्नीट्यूड बताऊं तो केवल मैग्नीट्यूड तो यही वाला हो जाएगा ना, 200 / 49। अब कितना रह जाएगा? 200 / 48 रह जाएगा, ठीक है? और वो भी किधर रह जाएगा? टूवर्ड्स किधर आ जाएगा? लेफ्ट में ही आएगा, ठीक है? देन जो हमें निकालना था वो ध्यान से देखिएगा, है ना, यहां से जो हमें निकालनी थी, हमें निकालना था वेलोसिटी है ना, रिकॉल स्पीड ऑफ द कार है ना, रिकॉल स्पीड यानी कि वेलोसिटी ऑफ द कार है ना विद रेस्पेक्ट टू द अर्थ है ना। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास में 200, तो ऐसा कैसा है? 149 - 1 डिवाइडेड बाई 48, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा। दैट विल बी अवर आंसर बच्चों। चलिए इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं यहां से, दैट विल बी अवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।